हेलो एवरीवन, आज ये एनिमल किंगडम पे ये सेकंड वीडियो लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर डिलीवर किया था वो सिमेट्री को लेकर के किया था। एनिमल्स का अगर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला सिमेट्री हमने कल बता दिया था। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स, थ्री फॉर्म्स, एसिमेट्रिकल एनिमल्स, सेकंड वन इज द एसिमेट्रिकल और दूसरा होता है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में तो सिमेट्री होता ही नहीं है। सिमेट्रिकल में दो सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री होता है और बायलैटरल सिमेट्री होता है। हमने एसिमेट्री के बारे में बताया था, किसी भी एनिमल ऑर्गेनिजम्स को आप किसी भी प्लेन से काटते हैं और बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्री। एंड एनिमल्स आर द एसिमेट्रिकल एनिमल्स। जैसा कि हमने एग्जांपल भी बताया था, फाइलम पोरिफेरा में जो स्पॉन्जेस होता है, स्पॉन्जेस आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिमेट्रिकल एनिमल्स। ठीक है, सेकंड एग्जांपल हमने बताया था कि रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हमने बताया था कि किसी भी प्लेन से आप काटो, पासिंग थ्रू द सेंटर, ध्यान दीजिएगा तीनों में, एसिमेट्री में, रेडियल सिमेट्री में और बायलैटरल सिमेट्री में, जो प्लेन है उसको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू हम पास करेंगे। तो रेडियल सिमेट्री में बताया था कि एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज द रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट बात रेडियल सिमेट्री में यह है कि रेडियल सिमेट्री उन्हीं एनिमल ऑर्गेनिजम्स में होता है जिसका मोड ऑफ लाइफ सेडेंट्री होता है। कैसा होता है बताइए? सेडेंट्री का मतलब फिक्स्ड होता है, उसी में रेडियल सिमेट्री होता है। तीसरा हम बात करेंगे बायलैटरल सिमेट्री, मतलब किसी भी एनिमल ऑर्गेनिजम्स को आप एक ही प्लेन से काटोगे, एनी सिंगल प्लेन, ओनली वन प्लेन, दैट इज द मिड सैगिटल प्लेन, पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स, राइट हाफ्स एंड द लेफ्ट हाफ्स आर नोन एज द बायलैटरल सिमेट्री। ठीक, बायलैटरल सिमेट्री का एग्जांपल हमने फाइलम प्लैटिहेल्मिंथस लेकर के कॉर्डेटा तक बताया था। और सबसे पहले बायलैटरल सिमेट्री प्लैटिहेल्मिंथस में भी नहीं आया था, और इसमें एक्सेप्शन था फाइलम मोलस्का एंड द इकैनोडर्मेटा। रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल हमने बताया था कि रेडियल सिमेट्री सी स्क्वायर ई मैनेट्रिक बताया था, सिलेंटेटा या निडेरिया, टीनोफोरा और इकैनोडर्मेटा के मेंबर में होता है रेडियल सिमेट्री। इकैनोडर्मेटा में अगर देखा जाए तो जो लार्वा होता है बाबू, लार्वा बायलैटरल सिमेट्री होता है जबकि एडल्ट रेडियल सिमेट्री होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सिमेट्री के बारे में बता दिया था। आज का जो वीडियो लेक्चर हम डिलीवर करने जा रहे हैं, दैट इज ऑन द सिलोम। सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। और जैसा कि मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम बॉडी कैविटी एनिमल्स को तीन पार्ट में क्लासिफाई करेंगे, सिलोमेट, सीडो सिलोमेट और एसिलोमेट। सिलोम होता क्या चीज है? सिलोम का ओरिजिन होता है मीजोडर्मल। सिलोम के बारे में कुछ पॉइंट फोकस करेंगे। सिलोम की ओरिजिन क्या होगी? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल का मतलब इम्ब्रियो के ये मीजोडर्म के लेयर से मिलकर बनता है। एक्टोडर्म, तीन लेयर होता है ना ट्रिप्टोब्लास्टिक में, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो इम्ब्रियो के मीजोडर्म के लेयर से सिलोम बनता है, इसीलिए इसका ओरिजिन कैसा होगा? मीजोडर्मल। कैसा ओरिजिन बताओ? मीजोडर्मल। कवरिंग की बात करेंगे, जो सिलोम की जो कवरिंग होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। कौन सा कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम का दूसरा नाम होता है सिलोमिक लाइन। पेरिटोनियम यानी सिलोमिक लाइन। ठीक है, पेरिटोनियम होता क्या चीज है? पेरिटोनियम किस चीज से मिलकर बनता है? तो पेरिटोनियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग मीजोथेलियम कहते हैं। पेरिटोनियम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनता है, जिसको हम लोग मीजोथेलियम कहते हैं। ठीक है, सिलोम जो होता है ये प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है। आउटर मोस्ट बॉडी वॉल जो होती है एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो कैविटी होता है, जो स्पेस होता है, उसी को क्या कहते हैं? सिलोम। और ये सिलोम जो कैविटी होता है ना, वो लाइंड होता है, घिरा हो रहता है किसके द्वारा? मीजोडर्म के द्वारा। ये सिलोम होता क्या है? स्पेस होता है या कैविटी होता है बिटवीन द गट वॉल एंड द बॉडी वॉल। अब थोड़ा सा हम आपको डायग्रामेटिकली इसको समझा देते हैं कि यहाँ पे क्या कंसेप्ट है गट वॉल का और बॉडी वॉल का। जैसे मैं देखो गट की, जैसा आप लोग जानते हैं कि गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है, गट का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में अगर स्पेस होगा तो उसको क्या कहेंगे? सिलोमेट। अगर स्पेस नहीं होगा तो एसिलोमेट। दिस इज द गट, ये हो गई गट वॉल, गट यानी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। दिस इज, ये गट वॉल हुआ और ये हुआ बॉडी वॉल।
ये गट वॉल और ये बॉडी वॉल। गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में अगर स्पेस यानी जो कैविटी है अगर प्रेजेंट होगा, स्पेस यानी कैविटी अगर प्रेजेंट होगा तो एनिमल उसको कहा जाता है सीलोमेट। क्या तुम बताओ? सीलोमेट। और अगर ये स्पेस एब्सेंट होगा तो क्या कहेंगे? ए सीलोमेट। प्रेजेंट होगा तो सीलोमेट और एब्सेंट होगा तो क्या कहेंगे बताओ? ए सीलोमेट। इसको हम बॉडी वॉल लेयर के बेसिस पे दिखा देते हैं। जैसे मैं पहला सीलोमेट हमने देखा, आप देखो सीलोमेट एक्टोडर्म, एक्टोडर्म दिस इज द मीजोडर्म और दिस इज द इंडोडर्म। ये गट है ना, ये गट है, ये गट गट वॉल है, दिस इज द गट वॉल। आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एक्टोडर्म है। मिडिल में क्या है? मीजोडर्म है। सबसे इनर मोस्ट लेयर गट के ठीक बाहर, गट के ठीक बाहर वाला लेयर क्या बताओ? इंडोडर्म है ना, इंडोडर्म। आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो कैविटी हमने बनाया है, ये जो सिलोम है ना, इसीलिए इसको क्या कहते बताओ? सिलोमेट। और सिलोमेट में हम एग्जांपल अगर देखा जाए तो फाइलम एनालिडा टू कॉर्डेटा, फाइलम एनालिडा टू कॉर्डेटा जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब सिलोमेट में आते हैं। और सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछे नीट एग्जाम्स में तो कभी दो तीन क्वेश्चन इसे पूछ देता है, इसमें अगर सिलोमेट मैंने देखा और सबसे पहला ट्रू सिलोम यानी यू सिलोमेट एनिमल्स की अगर बात करें तो क्रेडिट जाता है फाइलम एनालिडा। मतलब सबसे पहले ट्रू सिलोम किसमें हुआ था? फाइलम एनालिडा में। ठीक, सेकेंड बात करते हैं सीडो सिलोम। सीडो का मतलब होता है फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। मतलब कैविटी कैसा होगा? फॉल्स कैविटी होगा। स्पेस कैसा होगा? फॉल्स स्पेस होगा। ठीक है, सीडो सिलोम में देखा जाए आउटर मोस्ट लेयर दिस इज द एक्टोडर्म, ठीक, इनर मोस्ट लेयर दिस इज द इंडोडर्म। ये गट है ना, ये गट वॉल है और ये क्या एक्टोडर्म सबसे आउटर मोस्ट वॉल है। बीच का जो मीजोडर्म का जो लेयर होता है बाबू वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता, प्रोमिनेंट नहीं होता, होता है लेकिन स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में रहता है। तो मीजोडर्म की लेयर अगर छोटे छोटे स्कैटर्ड पाउचेस के रूप में पाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्यूडो सिलोमेट। ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे? स्यूडो सिलोम। स्यूडो का मतलब भी होता है फॉल्स और सिलोम का मतलब बॉडी कैविटी या स्पेस। इसमें एग्जांपल की हम बात करेंगे, फाइलम आएगा एस्कलमिंथिस। तो स्यूडो सिलोमेट में अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो फाइलम एस्कलमिंथिस के जितने मेंबर्स होंगे इसमें बताओ? स्यूडो सिलोमेट एनिमल्स में आएंगे। ठीक है, तीसरा देखा जाए ए सिलोमेट। ए का मतलब होता है एब्सेंट। अगर बॉडी कैविटी क्या हो? एब्सेंट हो, बॉडी कैविटी हो ही ना, मतलब एक्टोडर्म मीजोडर्म और इंडोडर्म के बीच में स्पेस ही ना हो। सबसे पहले क्या? दिस इज द गट, दिस इज गट वॉल है, गट का ये वॉल लेयर है, गट वॉल है ये एक्टोडर्म है, ये क्या बताओ? देखो मिडिल वाला मीजोडर्म, सबसे अंदर क्या बताओ? इंडोडर्म। एक्टोडर्म मीजोडर्म और सबसे इंडोडर्म, इसके बीच में स्पेस है ही नहीं। तो अगर नो कैविटी नो स्पेस होगा उसको क्या कहेंगे? एसिलोमेट। और जितने भी जो फाइलम होगा, फाइलम प्लेटिहेल्मिंथस के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें क्या होता है बताइए? एसिलोमेट। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिलोमेट। मतलब कोई कैविटी स्पेस नहीं होता बिटवीन द गट वॉल एंड द एक्टोडर्म आउटर मोस्ट बॉडी वॉल। ठीक है, अब इसमें एक बात करेंगे कि जो बॉडी कैविटी होता है अगर बॉडी कैविटी ब्लड से भरा हो, व्हेन बॉडी कैविटी या सिलोम इज फिल्ड विद ब्लड देन दिस इज नोन एज द हीमोसील। और जितने भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सी कैविटी पाई जाती है? हीमोसील पाई जाती है, क्योंकि ब्लड से वो भरी होती है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।